नहीं नहीं रोटी पहुंच चुका है यार, 5 बजे बजा ना तो मन लगी रात नहीं हो इस तो किसी से नाची दियो न्यू रे रा रोटी ने यहां पे रेडिलेशन में रोड पहुंच गया है फाइनली बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल ओबीलेस लाइफ। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारे तहे दिल से शुक्रिया, सभी जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, यति धेरै माया अनि सपोर्ट गर्दिनु भएकोमा ओबीलेस लाइफ लाई। सो गाइस, आज मै दिन मै यहाँ पे यहाँ चाहिँ बर्सिङ्गाले चाहिँ तरुल खनेर ल्याइदिनु भएको छ, वनतरुल। म चाहिँ आज खाजा चाहिँ यही बनाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है, थुप्रो ल्याउनु भएको छ, यही उसिनिन्छु। आज चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर एक्लै छु है, मेरो चाहिँ ड्युटी चाहिँ कुखुरा रुङ्नु र खाजा बनाउनु हो, त्यही भएर चाहिँ आज म कुखुरा रुङ्दै यही खाजा बनाइदिन्छु वनतरुल। अन्त त्यसको सँगसँगै म चाहिँ आज चाहिँ ढुङ्गे मिठाई बनाएर राखिदिन्छु। हामीले सानो सानोमा चाहिँ ढुङ्गे मिठाई बनाएर खान्थ्यो है, कतिले चाहिँ पत्थर मिठाई भन्छ, त्यो चाहिँ आज कसरी बनाउँछ तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिन्छु। यहाँ चाहिँ कत्रो कत्रो फलाउनु भएको रहेछ है, हेर्नुहोस् है, कितना बडा बडा है वनतरुल है, ए यहाँ फेरि देख्छ त्यो। ये बंतरुल धोके खत्म कर दिया है, अभी इसको लेके ले जा रही हूँ ऊपर की तरह। बंतरुल को धोके ला दिया और यहाँ पे सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा अलमारी बनाया था कल भाभी और मैंने। यहाँ पे है चमची और ये सब रखने के लिए जुगाड़, और यहाँ पे देख सकते हो बड़ा वाला जुगाड़, यहाँ पे ये हिल गया तो फिर गाइस। यहाँ पे सुबह में चामड़े बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो चामड़े और आलू का सब्जी है, यहाँ पे मैं इसको निकाल के रखूँगी। अच्छा अब कुकरमा ठुलो ठुलोलाई चाहिँ मुनि लगाउनुपर्छ छिट्टो पाक्नको लागि चाहिँ, मसिनोलाई चाहिँ माथि। मैंने फाइनली यहाँ पे तरुल को भी चारा दिया है, और जो विलेज बॉय है ऊपर हसिया छूट गया था तो वो लेने के लिए गया है। तो ए आइपुगे छ त पाए हसिया बसाइ सकेर के गरी बस्छ पायो, माथि नै छुटेछ ए, वहाँ पे छूट गया था त ए। तो भाई फाइनली मैं यहाँ बंतरुल मिल गया था, एक तो वो खन के भी आ गया हूँ, और दिन का काम ऑलमोस्ट आज कुछ भी नहीं करेंगे, आज हम ओनली शाम में ग्रास कटिंग का काम रहता है वो जाएंगे। और पंदी ने बना दे रहा है मजेदार करके वाइड एडिबल यहाँ है ना, बंतरुल पकाउँदै छ पंदी ने। फाइनली रोड भी पहुँच चुका है और पंदी तो बजे यो खुशी नाची दियो देखाइदिन्छु तो भाई इधर की तरह। यहाँ पे है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के आगे में देख रहा गई रोड पहुँच गया है फाइनली, बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। तो यहाँ पे भी बड़ा बड़ा आएगा गाड़ी ना बंदी, इसी कारण हम लोग गाड़ी दो तीन दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था ना, उसी की खुशी में ना आज मैं रोड के खुशी में ना वो पत्थर मिठाई बोलते है, रुंगा मिठाई बोलते है, हम लोग जो बचपन में खाते थे ना बना ना, वो बना के स्वीट ला ये इसके खुशी में बांट दूंगी, जो जो माथि घर में पठाई दिन्छु ला, दामी बनाऊ ला, अहिले बनाऊ, कसरी पो बनाऊ, आउँछ के आउँछ, अहिले म देखाउँछु ल। तो खूबसूरत चाय बना दिया है, फिका चिया चिया चाहिँ यस्तो मात्र मजा आउँछ अब यो गरम महिनामा है। ले चाहिँ यता ठुलो कराई झिकिसकेछ, बडा बडा कराई आर बनाएंगे मिठाई स्वीट है ना, बचपनको याद ताजा हुन्छ है आज चाहिँ तपाईहरुको ल। सो गाइस, अब सब कोही चला गया है ग्रास कटिंग करने के लिए, तो मैं अब यहाँ पे ढुङ्गा मिठाई बना के कैसे बनाते है वो भी आप सभी को दिखाऊंगी। फाइनली अब जो ये है
बंतरुल पक चुका है। मैं यहाँ पे कढ़ाई को गरम करके रखूंगी थोड़ी देर तक। तो गाइस यहाँ पे जो बंतरुल है ये अच्छा से पक चुका है। गाइस आज मैं ये जो गोटरी फार्म के यहाँ न्यू रोड खान के लाया है, तो मैं इसके खुशी आज ढूंगे मिठाई बना के हाँ सबको बांट दूंगी। वो भी कैसे बनाते आज सभी को मैंने बोला ही है, दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई जो है इसको गरम करके रख दिया है। तो मैं अब इसके ऊपर चीनी देना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चीनी का डब्बा। चीनी पग्लिँदैछ, यो चाहिँ चिनी पग्लाएर चाहिँ पानी नै बनाउनु पर्छ। यहाँ पे जो चिनी है ये अच्छा से मेल्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी आटा। तो गाइस यहाँ पे है आटा, यहाँ पे जो चीनी है ये अच्छा से मेल्ट होगा। ये अच्छा से मिक्स हो चुका है। इसको ऐसे करके बनाना है। खत्म कर दिया है, इतना ज़्यादा बन चुका है। तो गैस ये थोड़ा गर्म है, इसको थोड़ी देर तक शीतल में रखना है ताकि ये थोड़ा, यहाँ पे फ्रीज तो नहीं है ये, तो इसी के कारण मैं इसको थोड़ी देर तक यहीं पे शीतल में रख दूँगी। सो गैस मेरा यहाँ पे दो प्लेट ढूंगा मिठाई बन चुका है। गैस फाइनली मेरा यहाँ पे नाश्ता भी बन चुका है, खाजा भी बन चुका है और बन चुका है। अब मेरे को करना है नीचे में बनाना का ट्री कटिंग करने का काम सुहर के लिए, शाम के लिए। तो अब मैं नीचे जाऊंगी। और गाइस यहाँ पे मैंने जो गुंदरुक लगाया था आप सभी को दिखाया था पहले, भी यहाँ पे निकाल के गुंदरुक। अब मेरे को कटिंग करना है ये बनाना, यहाँ पे बनाना का पेड़ को कटिंग करना है शाम के लिए। फाइनली मैंने यहाँ पे शाम के लिए भी ये बनाना का पेड़ कट करके रख दिया एक दो को। तो भाई फाइनली ये भी पक गया, खाने पानी भूख लगी हुई था। ये ने ढंगे में जाए मना है लो ना जाता ना प्रॉमिस ये अंताई ओए के दाई मना छ कस्तो दाई मना छ कति वाला छला ल कति गरा छला इसमें कति 30 वटा तपाई 30 वटा मैले गनेको मलाई याद छ तपाईँ 30 वटा है ल गर्नु न त कति कतिको भेट दुई चार छ आठ दस बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्तिस तेह्र चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस उन्तिस तिस एकतिस बत्तिस तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस पैँतिस छत्तिस उन्चालिस चालिस एकचालिस बयालिस त्रिचालिस चालिस पैँतिस छत्तिस सैँतालिस वटादेखि यतिमा 47 लु खाजा खाउँ ल भोक लाग्यो। आजको चाहिँ हाम्रो यो छ है बन्तरुल दिनको 2 बजीको खाजा। तो आज के लिए मजेदार का ये बना लिया खाजा, तो मिठो होता यो बन्तरुल। उसके साथ है यहाँ के फिका चिया, गाँव घर में तो अर्गेनिक खान पाँच इसी खोर्स खान पर्स ये इसो कर खोर्स पर्स। प्योर अर्गेनिक है ये कत्रो टोके मिठो मैले खाए खाउ न सुक्खा दिन भयो होला हौ। अब चाहिँ हामीले खाइ पनि सक्यो 2 बजीको खाजा। अब चाहिँ पन्डितले हामी बनाएछ अरे के ढुङ्गा मिठाई नि,
ढुङ्गा मिठा बाँडेर लु बाँड्नु तँ कति कताको पर्छ मलाई 15 वटा पर्छ क्या है पन्दी 15 वटा यहीमा होइन यो बनाएको तिमीले ढुङ्गा मिठाई एकछिन गनेर दिन्छु त म होइन किन एउटै त हो अहिले बनाइदिएको कतिवटा भयो चार चार आठवटा होइन पाँच छ सात आठवटा त्यति राख्दैन दस वटा भाइ ये हे हाम लोगका यहाँ रोटाको खुसीमा मिठाई अर्ग्यानिक बिना पैसाकै यो मेरो यता म यो मुख भरी भयो मेरो कति मिठो नि फाइनली आजका जो मेरा ये था सब मिठाई बनाने का काम ये भी खत्म हो चुका है और बार के भी खत्म कर दिया है सो गाइस फाइनली आज का जो भनिन्छ आज का जो वीडियो है वो भी यहीं पे खत्म हो चुका है और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओई विलेज लाइफ इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद